तो आइए क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग एग्जाम्पल 4.6 का अध्ययन करने के लिए चाह रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि का तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, यानी ये रिएक्शन में लिखा है 2NO2 डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, हमें प्राप्त होता है 2NO2O4 प्लस O2। और नीचे क्रम संख्या एक में यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर कुल दाब दिया है। जब क्रम संख्या एक है तो समय आपका 0 है, कुल दाब आपका 0.5 है। जब क्रम संख्या 2 है तो समय आपका 100 सेकेंड है और कुल दाब आपका 0.512 है। तो वेग स्थिरांक के मान निकालना है, वेग स्थिरांक का मतलब होता है कि आपको के का मान निकालना है। तो आइए मैं आपको एक बार फिर इसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। आपको देखिए रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं माना कि N2O5 गैस के दाब में द्विगक्ष एटमिया, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय की कमी होती है, चूँकि N2O5 गैस के 2 मोल वियोजित होकर, यानी ये 2 मोल है, ये टूट करके N2O5 के 2 मोल, देखिए यहाँ पर 2 आ गए तो 2 मोल, तथा ऑक्सीजन का 1 मोल, इसका आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मोल देते हैं। तो N2O5 का दाब में 2xATM की वृद्धि तथा O2 के दाब में xATM की वृद्धि होगी। देखिए यह अभिकारक है, हमेशा अभिकारक से जो उत्पाद बनता है इसके दाब में वृद्धि होती है। तो प्रारंभ में जब T का मान 0 है तो N2O5 का जो दाब है 0.5 ATM है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इन दोनों का दाब तो 0 होगा क्योंकि अभी जो समीकरण है स्टार्ट नहीं हुआ है। अब समय जब टी है, टी समय पर, तो इसके जो दाब होगा उसमें 2x की कमी होगी, तो 0.5 2x इसका बढ़ेगा, 0 था तो 0 प्लस 2x तो खाली 2x, और इसमें x, ये 2x क्यों आया, क्योंकि इसका 2 मोल है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 मोल बन रहा है, अगर आप इसका x मानेंगे तो 2x, और इसका 1 बन रहा है तो केवल x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर P टोटल यानी कुल दाब है, तो PN2O5 प्लस PN2O5 प्लस PO2, ठीक है, ये दाब, इसका दाब, इसका दाब, पूरा को आप जोड़ देंगे तो इसका दाब 0.5 2x प्लस 2x प्लस x, हालांकि 2x से ये 2x कैंसिल, तो बचेगा 0.5 प्लस x, और यहाँ पर x बराबर, याद भी होगा आपको, P टोटल बराबर जो जैसे है वैसे ही, x वैसे ही 0.5 को इधर कर दिया गया तो x वैसे ही x बराबर PT माइनस 0.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर PN2O5 है ना, तो आपने देखा इसको मान निकाला है, तो 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2 ऐसे ही रखेंगे, 2 ऐसे ही, इसको 1 मान लीजिए, और जहाँ 1 से तहाँ पर PT माइनस 0.5, तो PT माइनस 0.5, 2 से 0.5 ऐसे ही रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और जब हल कर देंगे ना तो मैं इसमें प्लस, ये 1 और 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5 माइनस 2 पी टोटल हो जाएगा आपका, तो ये PN2O5 का मान हो जाएगा। टी बराबर 100 सेकेंड, टी बराबर 100 सेकेंड पर, तो टी बराबर 100 सेकेंड पर PT का मान 0.512 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर समय 100 सेकेंड है तो इसका दाब कितना है, इतना है। तो अब यहाँ पर PN2O5 का मान 1.5, देखिए 1.5 जैसे है वैसे ही ले देते हैं, 2 गुण है, जहाँ पी टोटल है 0.512, तो 0.512 भर देंगे और जब गुणा कर देंगे और 1.5 में से घटाएंगे, गुणा का मतलब जैसे 1 माइनस 1.5 आपके पास है, माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 दुना 4, 2 एकम 2, 5 दुना 10, और 3 अंक बाद यहाँ पर 10 गुना लग जाएगा। अब आपको घटाना है, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा दिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 0 जाएगा 4, 10 गुना 0, तो 0.4 7 6 आ जाएगा, इतना। समीकरण 4.16 का प्रयोग करेंगे, आखिर समीकरण 4.16 है क्या, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यही है समीकरण 4.16, देखिए कौन है, यह है के बराबर 2.303 टी लाग पी टी बटा में पी ए, या 2.303 टी लाग पी टी माइनस 2 PT माइनस पी, आपकी इच्छा जैसे आपको भरना है, चलिए यही भर लेते हैं, तो के बराबर 2.303 बटा में टी लाग पी टी बटा पी ए, 2.303 बटा में
टोटल जो टी है 100 सेकेंड लॉग और पी टी का मान 0.5 है ना, पी टोटल का मान 0.5 और यहाँ पर जब आप 100 डिग्री पर निकाले तो 0.46 हो जाएगा। ये सही 0.303 बटा में 100। अब इसको हल करेंगे ना, लॉग वगैरह का पूरा मान देखेंगे, जैसे आप हल करेंगे उसके बाद से, हालांकि लाख का मान आपके सवाल में दिया रहेगा, तो आ जाएगा 0.0216। जब आप पूरा हल कर देंगे तो 4.98×10^-4 प्रति सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।